ओली भाई सभी को मेरे मेरे को तो भाई 12 करेक्ट 12 बज रहे 12 बजे रंग लगाया भाई अंकल ने। देखो मैं भी लगाऊंगा ये हाथ से लगाना सीधा सीधा हाथ से। हैप्पी ओली अंकल, हैप्पी होली। कभी आप सुबह ना मिलो इसलिए मैंने अभी लगा दिया। नहीं नहीं मिलूंगा यार, क्यों नहीं मिलूंगा। चलो चलो हो गया, मैं घर जाकर पहनूंगा इसे के इधर मेरे पास लग जाएगा। हाँ वो तो लग जाएगा। अरे मैं इसे कपड़ा तुरंत ये कलर जारेगा। अरे इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है मेरे हाथ में और बस इसे जारेगा कपड़ा से। ना ना हो गया मेरा इसमें वो है कभी इसमें लगा ही नहीं है। अबे इसमें हाथ तो हाथ ले। ये आपको गीला है क्या? नहीं ये किस लिए रखते हो आप? गाड़ी पोछने के लिए। गाड़ी पोछने के लिए हम इसी से मुँह पोछ लिए। नहीं पोछे पूरा काला हो गया था, देखता था तुम हमने कर दिया ना। अब तो बहुत साफ किया हूँ मैं तो, पूरा एकदम भूत बना दिया था मेरे को तो। अभी आपने भूत बना दिया है? मेरे को तो अभी आपने भूत बना दिया। मम्मी कहेगी ये कहाँ से गोली खेल के आ रहा है इतने रात में। चलो ठीक है अंकल बाय। भाई घर पर चलते हैं भाई। अभी तो मैं करंट 12 बज रहे करंट 12 और अभी आया था चाचा घर पे अंकल के पास, तो उन्होंने रंग लगा दिया तो कपड़े करके जा रहा हूँ। सोचा मेरा रोज़ा था रोज़ा रहा मैं क्या, चल कोई ना रोज़ा। अरे मैं तो इन सबको मानता ही नहीं, ना भगवान को ना अल्लाह को, कोई दिक्कत रहा भाई। अपने तो सब कुछ बना लेकर है, मतलब अपने तो सब कुछ करते रह कर भाई। ये कोई सिस्टम ना है कि भगवान है तो अल्लाह, अरे दोनों में कोई नहीं है भाई। बस इन्जॉय करो, जो जो त्यौहार आते हैं इन्जॉय करे करो सबके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है भाई, हाँ से मस्त लग रहा हूँ ना। घर चलते हैं, घर जाके डांटने लगेगी इसलिए, मतलब मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा इसलिए डायरेक्ट मतलब सुबह मिलते हैं। ठीक है अभी ब्लॉग यहीं पे, मतलब ये वाला सीन खत्म हो जाएगा, सीधा सुबह का सीन मिलेगा। ठीक है बाय बाय, मस्त लगू तेरा भाई। हेलो गाइस, चप्पल पहन लो, एक बज चुके हैं। चलो छत पे आए, बताओ होली क्यों नहीं खेला भाई मैंने। चलता हूँ ऊपर पे, अच्छे से बताता हूँ। देखो कहीं रंग भी नहीं लग रखा होगा, कहीं भी नहीं लगा कहीं भी। अभी तो कितने हो रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं, 12:40 पे उठा था, 12:50 पे। हाँ भाई छत पे आ गए। हाय देखो छत भाई, ये देखो अभी खाना का मस्त लगा, होली खेल रखा है। अभी तो दिखाता हूँ इस सड़क का सीन। बच्चे का रख रखे हैं वो खेलने के लिए होली, यार क्या मस्त खेल रहे हैं। मेरा भी खेलना बहुत मन कर रहा है हद से ज़्यादा। दुकान है, ये दुकान है देखो रंगों की। ये देखो भाई सिस्टम सिस्टम है इनका तो। ये पूरी गली के लिए भाई, पूरी गली के लिए, पूरी गली। देखो पानी 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 होगा, पानी पानी सब भाई खेल लिया, सब लोगों ने खेल लिया और खेल रहे हैं। देखे ना क्या मस्त स्टोरी बना रहे भाई। अगर इस नीचे आ गया वो, मैं वहीं पर कुछ बोलने वाला था, इंपॉर्टेंट बात थी, बट अब शाम को रात में जब ब्लॉग एंड करने जाऊंगा, जब एक इंपॉर्टेंट नोटिस है हम लोग देख ही लिया आप लोगों ने, तो एक इंपॉर्टेंट नोटिस है तो उसके लिए मतलब रुक जाना। डायरेक्ट मैं वहाँ जा रही, कूलर चल रहा है ना, तो मतलब वही कह रहा हूँ रुक जाना, मतलब रुक जाना, ब्लॉग बने रहना और देख लेना। ठीक है इंपॉर्टेंट नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की बात बोलने वाला हूँ इसलिए, और कुछ कुछ बातें क्लियर भी करने वाला हूँ। मतलब मैं इसलिए नीचे आ गया क्योंकि मैंने कॉल आ गया था, तो उधर तो बाहर घूमने जा रहे हैं, गया नहीं भाई सुबह से, तो देख लेता हूँ जाकर सरोला के आला था कि होली है कोई, क्या होली का सिस्टम है। ठीक है भाई देख रुक आते हैं ना, आ नीचे आया फिर फ़ोन मेरा चार्ज भी नहीं है, बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, घर में कुछ काम चल रहा है, तो फ़ोन वीडियो बनाकर मैं चार्ज में लगा दूँगा, फ़ोन आके मिलता है। ठीक है बाय, ब्लॉग बन रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है भाई भाई सब आ गए, वो घोल गया था ना ये बाहर घूमने के लिए, साथ बताया था हम लोगों को, फ़ोन चार्ज नहीं था इसलिए दिखा नहीं पाया। गया ना भाई रोड पे, जैसे घुसाना जैसे मैं मंडी में घुसाना भाई, टी शर्ट खाड़ वगैरह रखी हूँ सारे, बिना टी शर्ट के भाई सब हो रहा था, दिखाता भाई क्या एक से एक कमेंट कर रहे थे एक से एक, तो भाई मज़ा आ गया। मतलब देखा घूम घूम लिया बस, थोड़ा बहुत होली खेली ज़्यादा बताया था हम लोगों को, बस आज का दिन तो खत्म भाई, और खाना वाना खा के बिरयानी वाना खा के सो जाएंगे। नहीं भाई बड़ा बस बस जी भाई ने तू खा अपना भाई, इसका पता है मेंटल गेमिंग नाम से है इसका चैनल, इसको ना इसका जो जिसे सब्सक्राइब कर रखा हुआ ना वो अनसब्सक्राइब कर दो और रिपोर्टर मार दो भाई, चैनल बंद करा दो है ना भाई।
लड़ लेगा इस बार, खाना खा के मिलते हैं, खाना खाने जा रहे हैं, नहीं खाना खाने जा रहे हैं, मतलब बताना भूल गया, अभी अफ्तारी का टाइम आ गया तो 6:30 हो चुके हैं, तो वही टाइम हो चुका है, तो अभी अफ्तारी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आ गया था, एंड में घर चला गया, अफ्तारी करने के लिए मैं भी आ चुका हूँ, तब तक करके मिलते हैं, ठीक है भाई, बाय। हेलो गाइस, मैं तो आ गया हूँ, मतलब अफ्तार कर लिया हम सब ने, अफ्तारी उतारी कर लिया, पापा देखो बोला तो रंग है, पापा ये तो सर्कस वाले हो, वही तो कह रहा सर्कस सर्कस, पापा का भाई ये 500 का ये और भी है खुला खुला ही फेवा खुला भी लेकिन पापा को देखना, अरे सर्कस दे रहा, सर्कस का जोकर जैसे लग रहे हैं पापा, सर्कस का जोकर लग रहे हो, तो आपको भी जाना चाहिए था ना, एक पेंट लगा ले पापा, ऐसा लग रहा है तो पकड़ के तो लगाते मेरी माँ सवारी पक्का वाला कलर है, ऐसे नहीं ठंडा लग रहा है, हमने देखा अपना सुबह बुरा था ना, मतलब मेरे घर में इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी है, नहीं तो सब कोई ऐसे ही है भाई, मतलब सब कुछ मनाते भाई, जो ये होता है त्यौहार वार हिंदू सब मनाते हैं, ठीक है, इसलिए आप भी मनाए लग रहा हूँ, एक बार देख लो ये है भाई होली, चलो ठीक है गाइस, अफ्तारी भी कर लिया मैंने, देखो इसने भी होली खेल रहा है, इसने भी होली खेल के आ रखा है, खाना खा के रात में खाना खा के खा लिया हमने तो, अरे भाई दारू पी रहे हमारे खालू, अरे दारू पी रहे हो, मुझे ही पिलाओगे, हाँ भाई बियर पी रहे हो, मुझे ही पिलाओगे, उधर ये चाय पी रहे हैं, ये वो वाला है क्या नाम है, ग्रीन टी, बोर्नविटा ग्रीन टी है वो, ग्रीन टी है खाली, बस बस हट जा हट जा हट जा, और हम जूस पियेंगे, तो देना मेरे को, अरे वो बंद कर लेना बाबू, है बंद करियो बाबू, अच्छा भाई होली होली है, हम होली बना रहे भाई, मैं तो होली बना रहा हूँ, ये कह रही खालू करेला का जूस पी रहे हैं ना खालू, आना लिया मुझे भी जाना चल चल निकल निकल यहां से, अरे हट ना बाबू, गिर दे इस तरफ पक पी ले, आगे छोड़ दे बाबू, मैंने तो पी लिया भाई, माल पी आएंगे हम तो, माल पी आएंगे भाई, पागल हो गया तो आपने पी लिया, मैं तो पी लिया अब, ये पी लिया तुमने, हां भाई मैंने पी लिया, गाइस पी भी लिया, आई पी लिया, मजा आ गया भाई, खाना वाना बिरयानी ये मिल गया, और बताओ पेप्सी मिल गया, और बताओ और क्या चाहिए ज़िंदगी में, और उस टाइम तो आज का होली बड़ा मस्त गया, हाँ वैसे उस समय मैं मतलब कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं बोला था शाम को बताऊँगा, अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तुझे अच्छे से बात सुनना मेरे, ठीक है भाई, रुक जाओ दो मिनट, रुक जाओ दो सेकेंड, हाँ गाइस हाँ आगे, हाँ अब मैं बताता हूँ पूरी बात है, अब पूरे दिन ये सोच रहे होगे कि हाँ तू तो होली खेलने गया ही नहीं, ऐसी पूरे दिन घर पे था ये वो, तो मैं पहले पॉइंट बाय पॉइंट आपको सब कुछ समझाता हूँ कि मतलब क्या सीन है, देखो पहली बात पहला क्वेश्चन आप लोगों को होगा कि हाँ मैं होली क्यों नहीं खेला, मुस्लिम हूँ या मुस्लिम हूँ इसलिए नहीं खेला या कुछ और रीज़न, तो
पता ना कोई मुस्लिम हिंदू का कोई सीन नहीं है। मेरी जो पुरानी वीडियो देखते हैं ना, वो सबको पता है कि मैं हिंदू मुस्लिम को नहीं मानता। मैं हिंदू मुस्लिम को नहीं मानता भाई, ना भगवान ना अल्लाह, मैं दोनों को ही नहीं मानता। देखो मैं बताऊँ तो दोनों होंगे भी ना तो एक ही होंगे, लेकिन हमें पता नहीं होगा, नहीं तो ये होंगे ही नहीं मेरे हिसाब से। मेरा कहना तो ये है, और होंगे तो पहले होंगे ना तो ये एक ही है। हम नहीं दो लग ये भाई तेरा अल्लाह है तो ये भगवान है तो कभी वो है फर। अरे भाई हमने ही नाम दिया ये, समझे। मेरा समझाने का पॉइंट ये है कि आप सब सोच रहे हो कि मैं मतलब मुसलमान हूँ इसलिए नहीं खेला। रात में कहीं 12:30 करीब दिखाया था ना आप लोगों को, शुरुआत में होली खेली थी ना। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, रमज़ान है इस वजह से भी नहीं कि हाँ मेरा मतलब रोज़े चल रहे हैं इसलिए मैंने होली नहीं खेला। ऐसे मेरे पापा को दिखाइएगा आप लोगों ने कि हाँ होली खेल के आया कितना काड़ा, मतलब कितने वो ज़्यादा ही कम रंग लगा रखा है, उतर नहीं था जो कि रंग वो लगा गया। ऐसा कोई सीन थोड़ी ना है, मैं बताऊँ तो मैं किसी को नहीं मानता। मेरा असली रीज़न ये है कि मैं पहले से तो सोचता हूँ मैं सक्सेस हो जाऊँ अपने मम्मी पापा के लिए, मतलब मैं कुछ कर सकूँ। जो मेरे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए करा ना, मैं सब कुछ दे सकूँ उन्हें। सच बताऊँ मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ करा, मेरे मम्मी पापा ने सच बताऊँ तो तुम सबकी मम्मी पापा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए बहुत कुछ करा। बहुत कुछ सोचा कि हाँ मेरा बेटा बड़ा हो जाए, ये करे वो करे, मेरे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, किसी भीख मांगने जरूरत ना पड़े। तो मैं चाहता हूँ मम्मी पापा को सारी खुशियाँ दे सकूँ, जो कि मतलब इतनी खुशियाँ दे सकूँ जो बोले ना मैं वो दे सकूँ बस। मैं इसलिए पहले मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँ ना मैं अपना ईद में अच्छा बनाता, ना बकरीद बनाता, ना दिवाली, ना होली, ये कुछ मैं कुछ भी अच्छे से शादी भी अटेंड अच्छे से नहीं करता भाई। मैं चाहता हूँ पहले बता मैं सब कुछ कर लूँ, पैर पे खड़े होता हूँ, अच्छे से इन्जॉयमेंट करूँ, इसलिए मैं नहीं करता ये सब। मेरा असली रीज़न ये है, मेरा पूरे दिन मेरा दिमाग यही करता कि क्या करेंगे तो क्या होगा, मैं वो कैसे खुश रखूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग भी ये सब कुछ करो। और मैं चाहता और मेरा ये भी दूसरा रीज़न एक और साइड है, मतलब ये कोई है नहीं, लेकिन बस ये भी है मेरा मोटिवेट। मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, ब्लॉग बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ ना, तो ना मतलब लोग कहते हैं कि क्या कर रहा है ये वो। मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ उन्हें एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं अपने लिए कर रहा था जो कि बहुत कर रहा था। मैं यही दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को कि मैं गलत नहीं हूँ, वो मुझे गलत बोलते हैं, इसलिए मैं बस यही दिखाना है। और पता है, हाँ वैसे बताना भूल गया, मैंने एक वेब सीरीज स्टार्ट करा है बचपना लव नाम से। वो वेब सीरीज कुछ दिनों में जब जल्दी अपलोड होगा, मेरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस एडिटिंग बची है, एडिटिंग करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैं अपने उस चैनल का लिंक है ना, मैं उसको मेंटेनिटी होता है ना कुछ ऐसे कुछ होता है यूट्यूब में, इस ब्लॉग वाले में यहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही बात थी, ठीक है भाई, मुझे बस यही बात क्लियर करनी थी जो आपके अब समझ गए होंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मानता, मैं सब कुछ मानता हूँ। बस मेरी मम्मी थोड़ी सी वैसी है कि हाँ मुस्लिम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच बताऊँ मेरी ऐसी आदत है कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं अल्लाह भगवान किसी को नहीं मानता, लेकिन जो उन लोगों ने मुझे दे रहा पहले वो होंगे ना, जो एक होगा उन्होंने जो दिया है ना, मैं कि दिवाली होली छठ ऐसी पूजा करवा चौथ रोज़े ईद बकरीद ये सब दे ना, ये सब का बस इन्जॉय करो भाई। सब मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए त्यौहार, ऑल पीपल ऑल त्यौहार सब मनाना चाहिए। ये नहीं कि ईद तो ईद मुसलमान मनाएगा तो ये होली तो बस हिंदू मनाएगा, ऐसा बन सब मनाया करो भाई। मैं तो मैंने मनाया लेकिन थोड़ा मनाया, मेरा मन नहीं करता। मैं मेरा मन जब करेगा जब मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊँगा, ठीक है। आपको लगो मेरी बात थोड़ी वैसी लग रही है, ओल्डेड क्या बोल रहा है ये वो, किसी को बुरी लग रही है, किसी को अच्छी लग रही है, बट मेरी क्या मेरा जो मेरी बात है वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना इस बात को थोड़ा गौर करो कि हम कौन से और एक दलदल है, दलदल फंसते जा रहे हो कि हाँ ये करो मत करो, ऊपर वाले ने मना करा, ये करो ये कराओ, पाप होगा ऐसे होगा। अरे भाई अपने जो आपको दिल करता है ना वो करो, और ये नहीं कि बुरा काम करो, अच्छे काम करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, भाई मेरा ये कहना है। इस बात को है ना सोचना, दिमाग में बैठाना, मतलब दो बार सोचना कि हाँ मैंने क्या बोला, सही है कि गलत है। आपका दिल खुद बता देगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन इनसे कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना अपने दिल में एक बार ये बोलना कि हाँ ये गलत है कि सही है, ठीक है। मेरी ये बात है, ठीक है। समझ रहे हो, मेरा इंपॉर्टेंट नोटिस ये था, तो इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे समझना। और मैंने ये ऐसे नहीं बोला हुआ है मैं कि मेरे हो जाए, मैंने तुम लोगों को देख के बोला, जो मेरी लाइफ में चल रही है ना वो सबके लाइफ में चलती है, इसलिए इस बात को गौर करना, ठीक है भाई। बस और सब बढ़िया, मैंने वैसे बहुत ज्ञान की बात कर दी, ये रियल बात है लेकिन, ठीक है भाई। थोड़े पसीने आ रहे, गर्मी का मौसम आ गया ना, देखो बाहर मतलब मैं सोचता घर में बना लूँगा, लेकिन मेरी मम्मी घर में है इसलिए बना नहीं सकता। आप सब सुनने लगे, मैं सो रहे हैं ना थोड़ा सा, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाहर आके बना रहा हूँ, ठीक है। चलो गाइस,
मैं तो ब्लॉग एड करने के लिए आया था, तो उसको मैं भूल रहा था कि नोटिस देना है, इसलिए ये बात मेरी पूरी बात तुमको समझ आ गई होगी, गौर करना और ये मत बोल कोई गलत मत ना कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ तो ये, अरे कुछ नहीं है मुस्लिम तो कुछ नहीं होता भाई, अरे बड़े बड़े इंसान है, अरे नो ये हम तो स्मार्ट है, हम ना हिंदू है ना मुस्लिम है, मुझे स्मार्ट है भाई, ठीक है भाई। चलो ठीक है, इस आज का हैप्पी होली बहुत अच्छा गया, बहुत एक्सलेंट गया, मेरे पापा तो भूत बन गए थे, उन लोगों ने देखा ही था, मैं को पिक्चर दिखाता हूँ इसके, जरा दो सेकंड के लिए मेरी पापा की पिक्चर आई, देखा ना कैसे लग रहे हैं भाई, भूत लग रहे थे बिल्कुल, जोकर नहीं होते भूत वूत ऐसे लग रहे थे। चलो ठीक है, बहुत मस्ती हो गई, बहुत एक गवाह दे दिया, सोचना अच्छी बात है, मैंने कोई गलती नहीं बोला, आप लोग अपने दिल से पूछ लेना सही बोला है गलत बोला है। चलो ठीक है, आज का हैप्पी होली बहुत अच्छा गया, मैं मस्त लगूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, बस बाय, खाना खाना टाइम पे। चलो ठीक है भाई, अरे हाँ एक और बात, लाइक कमेंट शेयर करना मत बोलना, ठीक है, बाय।